वो बजाओ सालो, बिगुल बजाओ तुम लोग। तो दोस्तों सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, यारिकावा के लोगों को बचा लिया गया है। एक यशिकावा जी हैं जो जिनको बनाने के लिए भेजा गया था, उसको भी मैंने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। मसाको को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है और यूना भी हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो अभी फिलहाल मुझे अपने जो चाचा जी हैं उनसे बात करनी है कि भाई सारी तैयारी हो चुकी है तो कोटन खान पे हमला करके हमें अपना जो कासल है, जो शिमुरा कासल है, हमें वो लेना उससे। तो बस फिलहाल जो जिन है वो अपने चाचा जी के पास जा रहा है, वो एक नई मतलब एक कासल में है, वो वेट कर रहे हैं। और हमने एक मैसेज भी भेजा था, एक जहाज, एक समुद्री जहाज भेजा था पड़ोस के देशों में। आपको याद हो अगर आपने पीछे के एपिसोड नहीं देखे हैं तो। वह ये कौन सा है भाई, ये किसका कैंप आ गया है? देखो जैसे चाचा जी का कैंप 150 मीटर दूर रह रहा है, तो वो जो हमने शिप भेजा था ना वो भी कामयाब हो गया और लोगों को पता चल गया है, जो हमारे पड़ोसी जो देश हैं, कि भाई हम लोग मुसीबत में है तो हमारी हेल्प कर दो, हम लोगों पे मंगोल्स लोगों ने हमला कर दिया है। तो ये प्लान था हमारे चाचा जी का। तो गाइज यहाँ पे जो हमारे लॉर्ड शिमुरा है ये उनका कैंप है, तो अपन लोग आ गए यहाँ पे। तो चाचा जी देखो सामने खड़े, हम लोग इनसे बात करेंगे अभी। Thanks to your efforts. अंकल हमें थैंक्स बोल रहे हैं। काफी आर्मी हो गई हमारे पास में हमारी कासल को लेने के लिए, मतलब क्लेम करने के लिए। शोगन को हमने मैसेज भेजा था और वो जल्दी आने वाले हैं लोग यहाँ पे। तो शिमुरा कहते हैं उनके आने से पहले हमें नई प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, जो नई प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम है रियूजो की, जो रियूजो गद्दार निकला वो हमारा ही आदमी था और उसके लोग जो है ना लोगों को जहर दे रहे हैं। तो वो फोर्ट कयासन में है, अंकल ने हमें लोकेशन बताई उसकी, रियोजो की। तो कह रहे हैं कि कौन मारेगा उसको, तो जिन कहता है कि मैं मारूंगा उसको क्योंकि वो मेरा दोस्त था ना, मैं मारूंगा उसको। अंकल कह रहे हैं जब तू वापस आएगा तो हमारी फोर्सेस जो है ना रेडी हो जाएंगी बैटल के लिए। तो गाइज Reconnicking, sorry, down in the blood. Yuna may want to join me for this. तो अभी जिन यूना के पास जाके उसकी हेल्प मांगे, हम लोग यूना की हेल्प मांगेंगे। What are you leaving behind? ये यूना और टाका हैं, तो ये टाका इसका भाई है, तो यूना से हेल्प मांगते हैं। You're leaving. तुम जा रही हो? Your uncle kept his word. तो यूना कहती है तुम्हारे अंकल ने अपने, हमने तुम्हारे अंकल को बचा लिया और यही हमारे वर्ड थे। तो जिन कहता है मुझे तेरी हेल्प चाहिए, मुझे रियूजो मिल गया है, वो फोर्ट कयासन में है। तो यूना मना करती है कि मैं नहीं जा सकती, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने सारी लाइफ अब इसी दिन के लिए बिता, मतलब गुजार दी है। मैं बहुत गरीबी से बाहर निकल के आई है। Help me defeat Rizzo. तो जिन एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी हेल्प करो रिजो को डिफीट करने में। तो यूना कहती है ये तेरी लड़ाई है जिन, मेरी नहीं है। मुझे जो चाहिए, यूना कह रही है मुझे जो चाहिए वो एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है मुझे। तो जिन कहता है मैं तुझे नहीं रोकूंगा फिर। थैंक यू यूना। ये लड़ाई जिन को खुद ही लड़नी पड़ेगी, रिजो को खुद ही डिफीट करना होगा। यूना ने काफी हेल्प की लेकिन अब यूना जा रही है। Listen to your sister, Taka. She'll take care of you. जिन टाका को बोलता है कि अपनी बहन की हमेशा बात सुनना, उसको परेशान मत करना। I can do this alone, under cover of night. जिन कहता है कि ये मैं रात को करूंगा। अब ठीक है गाइज, यूना हमारे साथ नहीं जा रही है, तो हमें फिलहाल ये कासल लीव करना है यहाँ से। तो और जो रियूजो है वो कायोसोन कैंप में है, नज़दीक ही है, वो नज़दीक है वो कैंप। I'm coming for you, Ryuzo. जिन अपने आप से कह रहा है कि मैं रियूजो, मैं तेरे लिए आ रहा हूँ। तो 500 मीटर दूर है, देखो इस तरफ, इस डायरेक्शन में मुझे दिखाया जा रहा है।
तो इस तरफ से जाऊंगा गाइस, ये रहा रियुजो, इस तरफ से मेरे को जल्दी मिल जाएगा। उस गद्दार ने हमें धोखा दिया, हमारा फ्रेंड होके दुश्मनों से हाथ मिला लिया उसने, लेकिन अब उसकी सजा हम उसको देंगे। उसने काफी लोगों को मारा है, अब उसकी बारी है। तो गाइस देखो, कैंप आने वाला नजदीक है, कैंप 250 मीटर दूर रह गया बस। कोटन खान कोटन खान ने रियुजो को अपना इतना चहेता बना लिया है, मतलब उसी को अपने साथ रखता है, क्योंकि रियुजो यहीं इसी जगह का, देखो ये आ गया, कैंप आ गया जहाँ पे रियुजो छिपा हुआ है। अरे भाई साहब, हमारा घोड़ा गिर गया। तो ये है वो फोर्ट। तो रात हो गई है गाइस, हमें जो फोर्ट को ना मतलब एक बार सर्वे करना होगा कि कौन सी चीज कहाँ पे है और कहाँ से हम लोग अटैक कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग सर्वे करते हैं। तो जैसा कि भाई साहब यहाँ देखो, कितने सारे मंगोल्स हैं और स्ट्रो हैट भी है। कोई आ रहा है। ओके गाइस, टाका आ गया है। टाका कह रहा है मैं तुम्हें अकेले नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तो जिन कहता भाई तू इस सब चीजों के लिए नहीं बना, ये तो जाने वाला था लेकिन गया नहीं। तो टाका कहता यारी काव में देखा था ना हम लोगों ने, हम भी ट्रेंड नहीं थे। टाका कहता मैं लड़ नहीं सकता लेकिन डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकता हूँ, मैं गार्ड्स को यहाँ से बहुत दूर ले जा सकता हूँ। तो जिन ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है कि जब वो तुझे चेस करेंगे ना, पीछे करेंगे, तू जब यहाँ से निकलेगा तेरे को पीछा करेंगे, तो भाग जाना सीधा अपने कैंप में, यहाँ रुकना भी मत। तो गाइस देखो, ये रहा जो टाका, ये कह रहा मंगोल्स कुछ नहीं है बस भद्दे कुत्ते हैं, सामुराई आ रहे हैं तुम्हारे लिए। देखो वो गया टाका, और इसके पीछे काफी सारे बंदे भाग गए। ठीक है, हमारा काम थोड़ा आसान हो गया है। वेट, काफी सारे मंगोल्स उसके पीछे चले गए हैं, वो ले गया काफी सारे मंगोल्स को अपने पीछे ले गया टाका। तो अब मैं इस चीज का फायदा उठाऊंगा, कुछ ही लोग यहां पे बचे हैं, और यहां पे रियुजो है, रियुजो को उसके कर्मों की सजा देंगे गाइस। अब एक बंदा इधर है, स्टैंड ऑफ नहीं करेंगे हम लोग। वेल डन टाका। तो टाका ने अच्छा काम किया गाइस। वो एक बंदा यहां निपटाया मैंने। एक और देख रहा है, कोई दूर से देख रहा है। एक बंदा इधर है, ये कौन है? वो मार दिया। देखो किसी को आवाज नहीं आने दी मैंने, उससे पहले इसका काम तमाम कर दिया। कुनाई से मैंने इसमें जब ये ब्लॉक करने लगा था, मैंने इस पे हमला किया कुनाई से, और कुनाई से ये सुन हो जाता है थोड़ी देर के लिए। अरे भाई कोई आ रहा है। वेट, एक गया, आ जा, कुनाई मारूंगा इसमें फिर से। गाइस, अभी दूसरों को पता नहीं चला है, ये मार दिए मैंने, लेकिन मेरी कुनाई सिर्फ एक ही बची है मेरे पास। अब कोई बात नहीं, हम लोग यहां से ऊपर जाएंगे दूसरों को पता चलने से पहले, बाकी सबको निपटा देंगे। वो क्या, मैं ये ले लिया मैंने। इस तरफ एक बंदा है अंदर, एक सो रहा है और एक सामने से देख रहा है। वेट, यहाँ पे दो तीन जने हैं, एक सोते हुए को, ये देखो सो रहा है ये। निपटा दिया इसको साले को। असैसिनेट करें, नहीं ऐसे नहीं। कितने बंदे वैसे यहाँ पे? ओके, तीन चार हैं।
अगर यहाँ पे दो बंदे हैं, वेट इसे ऐसे नहीं मारते क्योंकि हम लोग चेन अटैक भी कर सकते हैं, और चेन अटैक करने के लिए मेरे को, वो पीछे चला गया वो बंदा, आ रहा है वो, आ रहा है, इसको मारने का मेरे को दूसरा तरीका सोचना होगा। यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते, एक मिनट एक मिनट, मैं समझ गया थोड़ा सा। वो ब्लास्ट, वहां पे लोगों को आग लग गई उनको, सही किया सही किया सालों के साथ। वो देखो बिगुल बजाने लगे वो लोग, निकलो निकलो तेज, इससे पहले कि ये देखे, इसको निपटा देता हूँ, इसको निपटा देता हूँ। ओ भाई साहब, अंदर अंदर, देखो दो तीन बंदे आए, दो तीन बंदे आए एक साथ। वेट, ऊपर है क्या कोई? ऊपर भी है एक, इसको निपटा देता हूँ। यहाँ पे रियूजो है, अरे भाई साहब मजा आ रहा है, मजा आ रहा है साले, एक के बाद। मैं जंप कर सकता हूँ क्या? देखो यहाँ पे तीन है, एक एक इधर आ रहा है, आने दो इसको, आने दो, ये गया ये गया। वो उसको एरो लगा तो भाग गया। अब ये दो तीन आएंगे एक साथ यहाँ पे, आने दो आने दो, चेन अटैक हो जाएगा। बजाओ सालो बिगुल बजाओ तुम लोग। एक एक, वो किसको, किसने देखा, किस, इनको पता चल गया कि सामुराई है यहाँ पे। आ जा, कौन देख रहा है साला, इसमें से भी देख रहा कोई। चेन अटैक करेंगे, चेन अटैक। ओ भाई साहब, तीन बंदे एक साथ काट दिए, ये गया एक बचा एक। वाह भाई साहब, सारे मार दिए सारे साले। ओके रियूजो मेरे हिसाब से अंदर होगा, इस किले में बंद है, उसको नहीं पता अभी। ओके ये गेट ओपन करेंगे हम। ओके गाइस देखो रियूजो सामने खड़ा है। रियूजो, इट्स गुड टू सी यू। रियूजो कह रहा है अच्छा लगा तुझे देख के। यू नो व्हाई आई हैव कम। रियूजो जानता है ना तू मैं क्यों आया हूं यहां पे। आई एम श्योर यू नो व्हाट टू फाइंड मी। तो रियूजो कह रहा है कि हां तुझे पता है तू यहां क्यों आया है, पता है तुझे खान तुझसे मिलना चाहता है। तो जिन कहता मैं यहां तुझसे बात करने नहीं आया हूं, तूने हम सबको धोखा दिया है। रियूजो कहता है मैंने अपने घर को बचाया और तू भी मेरे साथ ये कर सकता है। अरे भाई साहब रियूजो पीछे देख रहा है, जिनको पीछे से वार किया मतलब धोखा दिया फिर से। टाका, टाका की आवाज आ रही है। टाका कह रहा है उठ जाओ लॉर्ड साकाई। टाका बंद गया है, टाका बांध लिया। और जिनको भी पकड़ लिया गया है। टाका कह रहा है कि वो चला गया था लेकिन ये देखने के लिए वापस आया कि क्या जिन साकाई ठीक है। तो यहां पे टाका को पकड़ लिया गया है। मैं ग्रिप लूज करने की कोशिश करता हूं। भाई साहब कोटन खान आ रहा है, ये है कोटन खान, कोटुन खान। तो कोटुन खान कहता है जिनको कि तू प्यासा होगा ले पी ले।
ये बहुत हरामी है यार। Milk from my favorite horse, the final gift to me. She broke her egg yesterday, so I fed her to my men. We do what we must, Lord Sakai. That is why you and I are both survivors. I am samurai. No, you are more than that. You are the ghost. कोटन खान डरता है जिनसे, क्योंकि लोग इसको घोस्ट बुलाते हैं। We will never serve you. जिन कहता है हम लोग तेरे गुलाम कभी नहीं बनेंगे। Your uncle. तो कोटन खान कहता है तेरे अंकल जो, उन्होंने भी मुझे यही बात बोली थी। When I asked him to end this war, he refused to be your slave. तो जिन कहता है उन्होंने तेरा गुलाम बनने से मना कर दिया, सही किया उन्होंने। I too have pride in family. And I know what it's like to live in their shadow. Why should we settle for scraps when we deserve to be legends? He is a legend. See? देखो, the people will follow you. कोटन खान कहता है कि लोग तुझे फॉलो करते हैं जिन, मुझे ज्वाइन कर, अपने लोगों को मेरे साथ लेके आ और इनको बचा ले। You did it, Ryuzo. तो जिन कहता है तूने रियुजो के साथ भी यही किया, उसका माइंड वॉश कर दिया और वो अब गद्दार हो गया है। A legend does not even अब ये टाका को भड़का रहा है, कह रहा है कि तेरा जो लेजेंड है ना, जो तेरा राज, जो मतलब जिसे तू मानता है, वो तुम्हारी जान की परवाह नहीं है, उसको तो उसको मार दे। तो टाका को तलवार देके कहता है कि जिन को मार दे। टाका के हाथ में तलवार दे दी भाई ने इसने। जिन कहता है इसको भाग जा टाका, यहां से भाग जा। अरे टाका ने उल्टा कोटन खान पे ही हमला कर दिया है, लेकिन ये तो बेचारा एक लोहार है। टाका, नहीं 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 नहीं, रुक जा भाई साहब। शिट, इसने टाका का गला ही काट दिया कोटन खान ने। Your friend died और कह रहा है कि for you. तेरा दोस्त मर गया तेरे लिए। कोटन खान कितना हरामी है यार। Now I must find another. अब मुझे दूसरा ढूंढना होगा। Then you must choose again. और तुझे फिर से चूज करना पड़ेगा। जिन दर्द से चिल्लाता है, वो दर्द अब यूना को क्या कहेगा ये? यार ये क्या हुआ, कोटन खान ने टाका को ही मार दिया। तो देखो गाइस, यहां पे टाका बिना सर के पड़ा है और वापस जिनको होश आया। तो हम लोग फिर से अपनी ग्रिप लूज करने की कोशिश करेंगे। मैं इस ग्रिप को लूज करने की कोशिश करता हूं। I need my sword. देखो यहाँ पे इसकी गर्दन पड़ी हुई है टाका की, तो हमें हमारी स्वॉर्ड चाहिए, तलवार चाहिए, वो तलवार यहाँ पे है। अपना जो गियर है वो ले लेते हैं, इन लोगों ने हमारा गियर नजदीक ही रखा है। अब जिन कह रहा है, गुस्सा आ रहा है इसको कि मैं सबको मार दूंगा। देखो गाइस, सेंस करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कितने सारे बंदे हैं ये। एक बंदा उधर से आ रहा है यार। No mercy! इन सबको मार दूंगा यहीं पे। This is for Taka. वो तुम लोग मौत डिजर्व करते हो। अरे भाई, इसका ब्लॉक टूट गया,
ये मर जाएगा अभी यहाँ पे। यस, और बंदा आ गया, एक और आ गया, आ जा, हेल्थ बढ़ा लेते हैं। अरे भाई साहब, ये भी गया। Traitors. ये लोग रोनिन हेट क्लैन के लोग हैं, इनको मरना होगा। ये सारे आ गए थे यहाँ पे, ठीक है। मेरे को यहाँ से बाहर जाना है। अरे ये यूना आ गई यहाँ पे, टाका नहीं मिला होगा ना इसको। जीन। तो यूना, I just saw the Khan ride out with Ruzo. Where's Taka? जिन यूना पूछ रही है टाका कहाँ है, मुझे करिए, मुझे पता वो यहीं है। करा उसने मैसेज छोड़ा था मेरे पास में कि वो तुझे फॉलो करते हुए आ रहा है, तो पूछ रही है वो कहाँ है, लेकिन जिन कोई जवाब नहीं देता। नो, यूना मना करती है। नो, नो, यूना वेट, टाका, नहीं उस तरफ मत जा यूना, उस तरफ मत जा। इसने देख लिया अपने भाई की गर्दन को कटे हुए, ये इसी चीज से तो डरती थी कि टाका को ही तो सेव करना चाहती थी सारी लाइफ, और यहां देखो इसने अपने भाई का कटा हुआ सर देख रही है ये। यूना रो रही है। जिन कहता है वो चाहता था तू उस पे गर्व करे, और यूना कह रही है कि वो तू तुम्हारी तरह बनना चाहता था और तुम्हें उसको यहाँ नहीं आने देना चाहिए था। गुस्सा कर रही है जिन पे। जिन कहता है मैंने उसको रोकने की कोशिश की थी, बस वो सिर्फ हेल्प करना चाहता था। आ गए हैं और दुश्मन आ गए हैं। तो जिन कहता है कि हमें जाना होगा। तो यूना कहती है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तो भाई साहब इसका मतलब है अब सबको मारेंगे, ठीक है, आ जाओ। आग लग गई सालों में, जला दिए। अबे डोगी हट, एक बचा बस। अबे भाई साहब, ये गया वो। ये गया गाइस, एक निकल यहां से साइड से। यस,
अरे भाई साहब ठीक है, और भी है क्या? आ रहे हैं, आ रहे हैं, और भी आ रहे हैं। ओ एक मिनट, मैं ये लेता हूं, नहीं ये वाला स्मोक बॉम्ब। अबे ये मून स्टैंस इफेक्टिव है यहां पे, मैं समझ गया हूं ये वाला। उस पे भी मून स्टैंस। अरे निकलना, वो ओ भाई साहब, ये लेते हैं। वो भाई साहब, एक बचा बस, कौन दूंगा तेरे को। ये गया गाइस एक, सप्लाईज ले लेते हैं, सारे मार दिए, इस भी ये बंदा एक बचा है। That's the last of them. जिन कहता है ये आखिरी था, और सारे स्ट्रो हैज जो हैं वो मर चुके हैं, सिर्फ एक रियूजो बाकी है, वो गद्दार। There's nothing more we can do here. तो यहाँ इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। I need to bury my brother. लेकिन यूना कहती है कि उसे अपने भाई को दफनाना है, तो जिन कहता है मैं तेरी हेल्प करूंगा। तो गाइज यहां पे जिन और यूना ने जो टाका को दफना दिया है, और जिन माफी मांगता है जो ये सब हुआ, टाका नहीं मरना चाहिए था। तो यूना कहती है मैंने कसम खाई थी कि मैं अपने लाइफ को एक अच्छी लाइफ दूंगी और उसको हमेशा सेफ रखूंगी। तो ये तेरा फॉल्ट नहीं है जिन, ये मेरा है। तो जिन कहता है ये तेरा भी फॉल्ट नहीं है, ये खान रियूजो हर एक मंगोल जो इस आइलैंड पे है। तो मेरी हेल्प करियो ना सबको मारने में, help me avenge Taka. और टाका का बदला लेने में मेरी हेल्प कर। There's no reason to leave. तो यूना कहती है अब जाने का कोई मतलब नहीं बनता। Nowhere to go. अब कहीं नहीं जाऊंगी मैं। Nothing to do. कुछ नहीं करूंगी। Except stay. बस रुकूंगी। And fight. और लड़ूंगी। You should go to my uncle's camp. तो जिन कहता है कि तुम मेरे अंकल के कैंप में जाओ, वहां पे कुछ रेस्ट कर लो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तो यूना पूछती है कि क्या मेरा भाई बहादुर था आखिर तक भी? तो जिन कहता है वो हमेशा बहादुर था। ठीक है गाइस, ये हमारा जो घोड़ा है ये सोरा नाम है इसका, सोरा। और जो यूना है वो अंकल के कैंप में चली गई है आराम करने के लिए, और जिन यहाँ पे अभी अंकल के कैंप में ही जाना है हमें। तो ये वाला क्वेस्ट हमारा फिनिश होता है यहाँ पे, और हमें एक टेक्निकल पॉइंट भी मिल गया है। तो हमें फ़िलहाल अंकल के कैंप में जाना है। जैसा कि आपको याद हो, अंकल ने हमें बताया था कि जब तुम वापस आओगे तो सोगुन की जो आर्मी है वो आ चुकी होगी,